इंदौर नगर निगम में जो बेसहारा बुजुर्गों को शिप्रा में छोड़ने का मामला ठंडा नहीं पड़ा कि ब्रह्मबाग की एक महिला कुसुम पवार ने भी आरोप लगाया कि वीडियो और न्यूज़पेपरों में उनका भाई प्रदीप पवार भी दिख रहा है, जिसे नगर निगम ने जाने कहां छोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने 24 घंटे के अंदर युवक को ढूंढने की चेतावनी दी। इंदौर में एक बार फिर पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया है। अर्डम थाना के क्षेत्र के हाईलिंग सिटी में डबल डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां करीब 9 बदमाश अजीत चोपड़ा और राकेश जैन के मकान में घुस गए और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने के बाद परिजनों को बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 17 लाख रुपए का माल लेकर उड़ गए। बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एर्ड्रम पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तिल चतुर्थी के अवसर पर इंदौर प्रसिद्ध खजराना गणेश को 3 किलो स्वर्ण आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। तिल चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में अल सुबह से श्रद्धालु विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का दर्शन करने पहुंचे। देश भर में भले ही सड़क सुरक्षा महा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 2 तेज रफ्तार ट्रालों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में वाहनों के परखज्जे उड़ गए, जिन्हें क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। बड़वानी जिले के प्राथमिक सेवा केंद्र खेतिया पर पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रदीप निकुम ने किया। एक दिन के नवजात बच्चे को पल्स पोलियो की दवाई पिला करके इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष कमलेश राजपूत व पार्षद प्रकाश महाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। बड़वा में पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को पूरे ब्लॉक में पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। बड़वा शासकीय अस्पताल में नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल से तोमर ने बच्चों को दवा पिलाकर 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। ब्लॉक में 395 बूथ पर 790 कर्मचारी हैं। इन बूथों पर करीब 50,000 से ज्यादा बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर अरुण दोहरा ने कहा कि 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन बूथ पर रहकर ही बच्चों को दवाई पिलाई गई। शाजापुर देवास एवं सिरहोर जिले के मध्य शनिदेव का मंदिर स्थापित है, जहां पर प्रति शनिवार एवं मंगलवार को भक्तों का जवाड़ा लगा रहता है। बताया जा रहा है कि शनिदेव के जहां जो भी अपनी इच्छा लेकर जाता है वो पूरी जरूर होती है। अपनी इच्छा अनुरूप हवन पूजन या भंडारा किया जाता है। शनिवार को रामबाबू पाटीदार के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी का लाभ उठाया। शाजापुर जिले के पोलाय कला में ठेकेदारों की मनमानी सामने आई है, जहां चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा मिट्टी चोरीकरण के दौरान खिलाड़ियों द्वारा पूर्व में निर्मित मिट्टी की रनिंग ट्रैक को जेसीबी के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे नाराज होकर आजाद फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में खिलाड़ियों ने निर्माण एजेंसी के ठेकेदार के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। सिगाव के 3 पोलियो बूथों पर पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह मंडोई, भाजपा के संतोष राठौर, मुकेश पटेल व अशोक प्रजापत ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की दवा। बड़वानी जिले के सेंधवा में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 400 से अधिक बूथ के जरिए 35 से अधिक ट्रांसिस टीमों के माध्यम से 0 से 5 वर्षों तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। अभियान की शुरुआत सिविल अस्पताल सेंधवा बीएमओ डॉक्टर ओएस कैनल के द्वारा की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंधवा विकासखंड के लगभग 65,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा।